हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बन भाइयों ने राम राम। मैं हूँ दिनेश कुमार। आप सब ने भी रहा है, हरियाणा में पंचायती चुनाव का दौर चला हुआ है। फिलहाल रोहतक जिला परिषद के वार्ड नंबर 6 में किलोई गांव में हम मौजूद हैं। हमारे साथ हरियाणा 1008 पर गांव के बुजुर्ग आदमी जुड़े हैं। इनका के मत है वो इनसे ही जानेंगे, क्योंकि 5 कैंडिडेट हैं और 2 कैंडिडेट हैं किलोई गाँव में। इनका अपना के विचार है, इनकी राय आप लोगों तक पहुँचाने हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दादा राम 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 बेटा, राम राम। एक बार अपना परिचय और दे दो। वह नरेश सुवेदार पंडित जी, कलोई खास पालना चौधरा से संबंधित रखता हूँ। अच्छा, वार्ड नंबर 6 में 5 कैंडिडेट हैं और 2 कैंडिडेट हो गए कलोई गांव के जी। के कुछ रुझान लग गया आपने जी? कलोई का जो सतपाल कैंडिडेट है, ये बहुत ही कर्मठ और योग्य उम्मीदवार है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई घमंड प्रकार की कोई आशा नहीं झलकती। और इस लड़के ने 1.5-2 साल से मेहनत कर रहा है, जिसका इसका उपयोग पूरे गांव 99% इसके साथ है। न कि गांव बल्कि गवांडों में भी जी 8 गांव लगते हैं, उनमें भी ये 60-70% अपने बहुमत सिद्ध कर रहा है। और भी कोई खास बात कुछ, जैसे हम पूरे गांव में घूमे हैं, सर्वे कराया गांव का, एक तरफा नज़र आ रहा है पूरे गांव का जो माहौल है, तो कोई खास बात भी होगी? कुछ खास बात दिनेश भाई, क्या बताऊं मैं आपको, कि ये लड़का ऑनर और ऑनेस्ट है, ईमानदार है, किसी से कभी झूठा वादा नहीं करता, कही बात सच्चाई पर उतरती है इसकी। अगर ये रात को एक हमारे गाँव का ही लड़का था, पंडित जी होगा, पान जाने पाने में राम फड़का लड़का सत्यनारायण, उसको अटैक पड़ गया रात को। सन सिटी में इसका निवास है सतपाल का, हाइट सन सिटी के अंदर। इसने उसको फ़ोन कर दिया और रात को ही 1 बजे अपनी गाड़ी से मेडिकल में उसको छोड़ गया, ट्रीटमेंट कराया, जो कि अभी लड़का स्वस्थ हो। इसलिए इसमें ऐसी खूबियां नज़र आ रही हैं, जो कि ये हर चीज़ कसौटा हर कसौटी पर खरा उतर रहा है। राम राम जी। राम राम भाई, आपका क्या विचार है जिला परिषद चुनाव के बारे में? सतपाल की वोट गिराएंगे, सतपाल ना बनावाएंगे। कोई खास बात? बस ठीक है, सुधा है, ईमानदार है, इससे यही वजह है। और कोई कैंडिडेट नहीं अड़ा गाँव में मरा दूसरा, तो भाई उसका कैंडिडेट से 5-7 वोट लेगा, 10-20 लेगा, कितनी लेगा, बाकी तकरीबन सतपाल की वोट है। अच्छा, बाहर के गाँव में के कुछ रुझान? बहरे गई मत की तो गया नहीं, बाकी नहीं गए, बहुत अच्छा रुझान है, सारे गाँव में जीत के लकड़ेगा। चुनाव चिन्ह का लाग लिया फिर? हाँ, पतंग पतंग पतंग। राम राम जी। हाँ राम राम जी, क्या विचार है बताइए? अपना ये विचार है जी, सतपाल एक तरफ ही हमारे गांव से जीतेगा और बहुत बढ़िया है, अच्छे विचार हैं, धार्मिक लड़का है, गरीब आदमी के आगे पीछे रहे, सेवा करे, गरीबों की मदद करे है, और हर एक चीज़ की इसमें हम जो भी इसमें देखिए खूबी, सारी खूबियाँ इसके अंदर नजर आ रही हैं। हमें तो इसमें किसी प्रकार का कोई गलत लगता नहीं, छल कपट नहीं है, मेहनती है, ईमानदार है, बहुत ही अच्छा है, और आज से नहीं है, काफ़ी समय से हम इसको देख रहे हैं, सबसे बहुत बढ़िया चल रहा है जी, सारी खूबियाँ से जितनी हैं हमारे देश समझ में ये आ हुआ है। अगर हमारे गांव क्या इसका पतंग का निशान है, और गांव क्या हमारे जो इतने 8-7 गांव लगते हैं, इनमें भी इसका 70-75% वोट हर एक गाँव में, बहुत बढ़िया हुआ जी, देख लो ये है। और मेरा नाम बलवान है, बता दिया आपको, पन्ना चौधराड है, किलोई खास में पड़ता है। हाँ जी, 6 तारीख बता दें, मैंने रैली जाएगी, कितने एक आदमी जहाँ है आप परोजान दिख जाएगा, 6 तारीख को रैली हैगी, हाँ आप पता लग जाएगा, फिर पूरा गांव साथ चलेगा, के होगा, कितना है, सारे का सब नहीं पता लग जाएगा। दिखा देंगे जी आने वाले इसको संडे को 6 तारीख ने, जब देख लेना और आसपास के भी देखेंगे, हाँ भाई क्या माहौल है, कैसा है, पूरा गांव एकजुट होकर इसके साथ चलेंगे हम, और जितनी होगी इतनी मेहनत करेंगे, छोटे से लेकर जवान तबका, बुजुर्ग आदमी, अगर महिलाएँ बुजुर्ग में सब इसके साथ हैं जी, हमारे यहाँ पूरा योगदान करेंगे, और करने वाला भगवान है, किस्मत सामना। थैंक यू। तो भाई आप जुड़े रहिए हरियाणा 1008 पे, गांव के बुजुर्गों ने 6 तारीख की जो है रैली में भरपूर प्रदर्शन दिखाने का ऐलान भी कर दिया है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, इस पंचायती चुनाव की पल पल की खबर हम आप लोगों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मैं लेता हूं इजाज़त, हरियाणा 1008 के लिए कैमरामैन अनिल कुमार के साथ में दिनेश कुमार, जय हिंद जय हरियाणा।